राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ये तो पहले से होता है। भाई अग्निपथ पहले से नहीं था, अग्निपथ आपने बनाया है, उसका डिजाइन आपने किया है, उसकी टर्म कंडीशन आपने बनाई है, होम को डिजाइन आपने किया है, उसमें जाति का कर्म क्यों डाला आपने? खुद जी वी एल नरसिंह राव जी ने और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। इन्होंने कहा था ई वी एम से गड़बड़ होती है, ई वी एम बैन होनी चाहिए। फिर एक और बात है, अगर वोटर को ई वी एम पर भरोसा नहीं है तो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो जजमेंट आया था एम राज वाला सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जरूरी है मिलना और उसके लिए डाटा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। यहाँ पर बहुसंख्यकों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है और हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी। तो सर, जिस तरीके से प्रोग्राम में मैंने देखा बहुसंख्यकों के लिए जातिगत जनगणना और साथ में उनकी जो चुनाव बैलेट पेपर है, जो चुनाव होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मांग की जा रही है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि मतलब जातिगत जनगणना की अब ज़रूरत आन पड़ी है और बैलेट पेपर की अब मांग? दो चीज़ें हैं, आपने दो सवाल पूछे जी। तो पहला तो जातिगत जनगणना वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू है और आरक्षण का आधार जनसंख्या है। एससी एसटी को, एससी को 15% पूरे देश में और एसटी को 7.5% आरक्षण इस आधार पर दिया जा रहा है कि जो उस वक्त जब ये सिस्टम बना उस वक्त जनगणना में शेड्यूल कास्ट 15% था और शेड्यूल ट्राइब 7.5% था। तो ओबीसी को जब रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जनसंख्या कितनी है, इसके लिए जनगणना का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो जजमेंट आया था एम राजवाला सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है मिलना और उसके लिए डाटा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। तो जब तक आपके पास ये सर्वे का डाटा नहीं होगा कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, तब तक उसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए ये कैसे तय होगा? तो ये तो रहा आपका पहले सवाल का जवाब। और रहा दूसरा सवाल वो ईवीएम का, ईवीएम पे शुरू से पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाती आई हैं। खुद जीवीएल नरसिंह राव जी ने और मिस्टर स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। इन्होंने कहा था ईवीएम से गड़बड़ होती है, ईवीएम बैन होनी चाहिए। फिर एक और बात है, अगर वोटर को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और प्रजातंत्र के अंदर वोटर की बात सुनी जानी चाहिए, अगर वोटर चाहता है बैलेट पेपर से वोटिंग हो तो फिर बैलेट पेपर क्यों से वोटिंग क्यों नहीं कराई जा रही? दूसरी, इस बात पे भी एक वोटिंग करा ली जाए कि लोग बैलेट पेपर से चाहते हैं, ईवीएम से चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को इसको कराने में दिक्कत क्या है? भाई न्याय केवल करना नहीं है, न्याय जनता को दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो मतलब क्या ईवीएम से क्या मतलब कुछ घपलाबाजी है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है, लोगों के आरोप लग रहे हैं क्या? नहीं, कई बार मशीनें कहीं मिल रही हैं, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी मिल रही है, कहीं आ रहा है कि जितने बटन दबा रहे हैं वो निकल रहा है, ये सब सवाल आ कहाँ से रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। सरकार तो कहती है कि सेफ है ईवीएम और उससे बहुत, सरकार अगर कह रही है सेफ है तो जिन देशों ने ईवीएम का इजाद किया, जिन्होंने बनाई, वो देश ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उनको डाउट क्यों है? अच्छा, अग्निपथ की जो अभी जो योजना आई है नई लागू हुई है, उसमें 4 साल का जो है उसमें उनको दिया गया है अग्निवीरों को। अब अग्निवीरों ने पूरे देश में हो हल्ला भी मचा दिया लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बुलडोज़र की कार्रवाई जो है लगातार जारी है, लेकिन अग्निपथ को लेके अब जो है जाति पूछी जा रही है उसमें, क्या ऐसे सेना में पहले भी कभी होता था, ऐसे बयानबाजी आ रही है? देखिए, पहली बात तो सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो इस तरह कभी प्रेस रिलीज नहीं किया करते थे जितने पिछले कुछ सालों में देखने में आया। दूसरी बात, जब वहाँ रिजर्वेशन नहीं है तो फिर जाति का कॉलम क्यों? ठीक है, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ये तो पहले से होता है। भाई अग्निपथ पहले से नहीं था, अग्निपथ आपने बनाया है, उसका डिजाइन आपने किया है, उसकी टर्म कंडीशन आपने बनाई है, फॉर्म को डिजाइन आपने किया है, तो उसमें जाति का कॉलम क्यों डाला आपने? या आपने किया है और आपको चाहिए इसको तुरंत वहाँ से रिप्लेस किया जाए, डिलीट किया जाए इस कॉलम को और देश को बताया जाए। मगर युवा तो सर भर रहे हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, 10 लाख जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो भी हो रहा है दादागिरी हो रही है। चलिए, अभी हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी थे जिनसे हमने कुछ सवालों के जो है जानना चाहा, वो थोड़ा जल्दी में थे लेकिन हमने जो खास
मौके पे जो यहाँ बहुसंख्यकों का प्रोग्राम हो रहा है उनसे सवाल जवाब किए और जाना कि किस तरीके से बहुजनों के साथ धोखा हो रहा है उनके वोटों को लेकर और उनकी जातिगत जनगणना जो नहीं की जाती है और लगातार सरकार ये बोलती है कि एक जनगणना की जाती है लेकिन उसके नाम पर हमेशा ठगा हुआ महसूस करते हैं दलित समाज और पिछड़ा हुआ वर्ग। उसी के साथ देखते हैं ये जनता आवाज़। मेरे सहयोगी द्रविड़ के साथ में पूजा, दिल्ली।